दोस्तों, आपने कभी सोचा कि जो हमारे मोबाइल की नेटवर्क की जो बार है, इसके पीछे की रहस्य क्या है? आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, आप घर बैठे किसी से बात कर सकते हैं, किसी के टच में रह सकते हैं। मतलब दुनिया भर की चीज आपके पास है जब आपके पास एक नेटवर्क है। आप अभी सोशल मीडिया पे हर खुशी दुख को आप शेयर कर सकते हैं दूसरे को, और ये संभव तभी है जब हमारे आसपास की नेटवर्क अच्छी हो। हालांकि नेटवर्क को लेकर यूजर के मन में बहुत सारी गलत फहमी है, जो आज इस वीडियो में उस सारे गलत फहमियों को दूर करेंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम कॉल पे बात करते हैं तो कॉल का बफरिंग होना, तो नेटवर्क कटना, ऐसे स्थिति में हमारी नजर सबसे पहले मोबाइल की नेटवर्क पर ही जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर नेटवर्क बार अच्छी हो तो हमारी नेटवर्क अच्छी है, अगर नेटवर्क बार कम है तो हमारी नेटवर्क बहुत कम है। जबकि ऐसा नहीं है। आपके फोन में नेटवर्क बग सबसे ज्यादा तब दिखता है जब आपका फोन नेटवर्क टावर के आस पास हो, और टावर से दूर होने पर वो अपने आप कम हो जाता है। ऐसा माना गलत होगा, अगर आपके मोबाइल टावर के नजदीक है तो उस एरिया में अगर नेटवर्क अच्छी प्रोवाइड कर रही तो आपकी नेटवर्क चलेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर वहां पे यूजर कम है तो आपकी नेटवर्क स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी, और यूजर ज्यादा है तो आपकी नेटवर्क फुल रहने पर भी सबसे कम चलेगी। तो आपको ध्यान इस बात की देने की, अगर आपकी नेटवर्क बार कम है तो ये नहीं समझना कि मेरे मोबाइल की नेटवर्क कम है। नेटवर्क बार कम रहने पर अगर यहाँ पे अगर यूजर बहुत कम है तो आपकी नेटवर्क स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और नेटवर्क फुल रहने पर भी आपकी नेटवर्क स्पीड कहीं कम हो सकती है यदि आपके आसपास यूजर सबसे ज्यादा है। यही कुछ गलत फहमियों की वजह से जो यूजर होते हैं वो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। आप वैसे नेटवर्क को चुनें जो आपके लिए बेहतरीन हो, आपके एरिया के लिए बेहतरीन हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी गलत फहमी बहुत कुछ दूर हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अगर और कुछ जानना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नए वीडियो में नए जगह के लिए।